आरएसएस पदाधिकारी के घर दिया था हथियार के बल पर बच्चों को बंधक बना लूट की घटना को अंजाम। लूट में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने बीते 27 जुलाई को सेक्टर 55 में आरएसएस पदाधिकारी के घर हथियार के बल पर हुए लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे हुए लगभग 80,000 रुपए कैश और सोने के जेवरात बरामद किए है। वहीं 4 आरोपी फरार है जिनको पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश बड़े ही शातिर किस्म के लुटेरे हैं। इन बदमाशों ने बीती 27 जुलाई को आरएसएस पदाधिकारी के सेक्टर 55 स्थित घर से हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना में इस गैंग के 10 बदमाश शामिल थे। बदमाशों ने पहले कई दिनों तक घर की रेकी की, उसके बाद जब घर में केवल पीड़ित के 3 बच्चे थे तब लूट की घटना को अंजाम दिया। घर के अंदर 4 बदमाश हथियार लेके घुसे थे और बच्चों को हथियार के बल पर एक कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद घर में रखे लाखों रुपए कैश और जेवरात उड़ा ले गए थे। पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से लूट के लगभग 80,000 रुपए कैश और सोने के जेवरात बरामद किए है। बाकी बचे 4 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पीड़ित के घर के बगल में रहता था, चौकीदार का बेटा था, उसे पूरे घर की जानकारी थी। उसने अन्य आरोपियों को घर के बारे में और घर में मेंबर के बारे में बताया था। घटना से लगभग 10 दिन पहले इन लोगों ने पीड़ित के घर के पास स्थित चाउमीन की दुकान पर वारदात की योजना बनाई। आरोपियों ने पूरे इलाके में लगभग 10-12 घरों की रेकी की। उसके बाद घटना वाले दिन जब पीड़ित के घर से सभी बड़े घर से निकल गए तब 4 बदमाश हथियार के साथ घर में घुस गए। वहीं अन्य आरोपी घर के बाहर अलग अलग जगह पर खड़े हो गए। पुलिस ने घर में घुसे 4 बदमाशों में से एक बदमाश विक्रम, घर की जानकारी देने वाले विशाल सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सेक्टर 58 क्षेत्र में 27 तारीख को सेक्टर 55 में स्थित एक 4 मंजिला मकान में 4 लोग घुस गए थे। तमंचे के बल पर जो वहां घर के अंदर बच्चे लोग थे उन लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद जो पूरा घर का तलाशी कर 3 लाख रुपया कैश कुछ ज्वेलरी लेके फरार हो गए थे। घटना का सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गया है। पहुंचने के बाद हम लोग पूरा एनालिसिस किया, एनालिसिस सीसीटीवी फुटेज को लेकर हर चीज़ हम लोग आसपास पूरा छानबीन किया। पता चल गया कि घर के अंदर तो 4 ही लोग घुसे थे बट घर का बाहर कुछ लोग रेकी करते हुए नजर आ गए थे। तो इस घटना खुलासा करने के लिए 5 अलग टीम बनाई गई थी। उस घटना का खुलासा आज हम लोग कर दिया। इसमें जो 4 लोग अंदर घुस गए थे उसमें एक व्यक्ति विक्रम को हम लोग गिरफ्तार किया, साथ में अन्य लोग टोटल 6 लोग गिरफ्तार किया हम लोग। इसमें जो बाकी लोग हैं वो इस घटना में बहुत अलग अलग तरीके से सहयोग किए हैं। जैसे जिस मकान में ये घुसे थे उसके बगल में एक चौकीदार है, उसका बेटा इस घटना में इन्वॉल्व है, उन्होंने सूचना दिए थे। इस तरह पूरा इस मकान के बारे में जानकारी रखा था और कब से ये लोग रह रहे हैं, कितना रुपया मिल सकता है, इस तरह का पूरा इस क्रिमिनल्स के साथ मिलकर सूचना योजना भी बनाया था। और मकान से बिल्कुल 50 मीटर दूरी पर एक चौमीन का दुकान पर ये लोग खड़े होके पूरा योजना बनाए थे। 10-12 दिवस उसके पहले भी ये लोग पूरा उस एरिया का पूरा ये लोग छानबीन किया और रखी किया और घटना का अंजाम दिया था। इसमें अभी घटना में जो 3 लोग अभी भी शेष बचे हैं जो घर के अंदर घुसे थे उन लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें मोनू, हर्षित और विशाल अभी भी गिरफ्तार से बचे हुए हैं। उन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो एक गाजियाबाद में एक ज्वेलरी लूट से एक व्यक्ति जेल गया है और एक गौतम व्यक्ति है, उनका 10-12 मुकदमा भी है। हम लोग शेष बचे हुए लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। 3 दिवस के अंदर पूरा का अनावरण करने में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट। नाम दिया जा रहा है।